देखो ये आपको ऊपर दिख रहा ना, दिख रहा द आयरिश हाउस। तो यहाँ पे स्टार्टिंग आपको कॉफ़ी वॉफ़ी जो भी है ना, सब 1,000 रुपये के ऊपर ही मिलेंगी। 1,000 2-2 हज़ार की चाय मिलेंगी, कॉफ़ी मिलेंगी, सब महंगे महंगे आइटम। और ये लॉन्ज है, बिजनेस क्लास लोगों के लिए ये फ्री रहता है, समझे आप। जैसा आप अगर बिजनेस क्लास टिकट में सफ़र कर रहे हैं किसी फ्लाइट में, तो आपको फ्री मिलेंगी ये सब एमिनिटीज़ यानी फैसिलिटीज़, ठीक है। तो सब भैया पैसों का खेल है, आएगा एक दिन अपना भी, अपन भी वहाँ बैठेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे तो बिठा ही दिया अल्लाह ने, अब इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा। और वैसे भी अब जलने वाले लोग मेरा स्टेटस नहीं देख रहे, अल्लाह का एहसान है। बाद की फ़्लाइट डिले होने की वजह से इंडिगो की तरफ से ये ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, इंडिगो की फ़्लाइट डिले होने की वजह से ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है। सबको बोर्डिंग पास यहाँ बताना है और नाश्ता मिल रहा है फ्री में। तो वहाँ पे मैंने अपना बोर्डिंग पास बताया, तो फिर ये नाश्ता इंडिगो की तरफ से, क्योंकि 1 घंटा और डिले हो गई है फ़्लाइट, और 1 घंटा लेट है भाई, कब से वेट कर रहे हैं सब लोग। तो इंडिगो की ये सर्विस इतनी प्यारी रहती कि अगर कस्टमर को डिले होता है तो वो पूरा अपने कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं। तो आप देख सकते हैं सब लोग वहाँ पे अमीर गरीब सब भिखारी बने हुए, यानी सबको फ़कीर बनना पड़ता है। यहाँ इसमें कोई बुराई नहीं है, अपन पैसा देते हैं तो इतना तो उनका फ़र्ज़ है। बाकी ये समोसा एयरपोर्ट पे 300 रुपये का एक है, ये जो ब्रेड केक मिला ये 200 रुपये का मिलता है एयरपोर्ट पे। तो फ्लाइट और 1 घंटा लेट भाई। देख सकते कि 10:08 हो गए, सारे लोग वेट कर रहे हैं हैदराबाद फ़्लाइट का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि फ़्लाइट अभी तक वहाँ पे आके लगी भी नहीं है। तो बहुत दिक्कत जा रही है, पता नहीं कब तक लेट होती है। और 10:08 हो गए, देखो अब 12 जून ना लग जाए। पागल बना दिया यार इंडिगो ने। अब हम लोग जा रहे बोर्डिंग के लिए, वो देखो प्लेन खड़ा है, अब जाना पड़ रहा है, बहुत लेट हो गए बोर्डिंग के लिए। ओ ये जो रहता ना डायरेक्ट प्लेन में घुसने का रहता ऐसा है। देखो प्लेन लगा हुआ ही रहता और यहाँ से अंदर जाने का रहता। देखो अभी बैठे हम लोग, देखते बाहर का खूबसूरत नज़ारा। चेन्नई एयरपोर्ट से अभी हम टेक ऑफ लेंगे कुछ देर में, देख सकते हैं चेन्नई एयरपोर्ट से। वी आर नाउ जस्ट टेकिंग ऑफ फ्रॉम चेन्नई एयरपोर्ट टू हैदराबाद एंड विल एंड शॉर्टली इंशाल्लाह। सो जस्ट वेट एंड वॉच। सलाम अलैकुम। और ये टेक ऑफ कर रहा है चेन्नई एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए।
सलातो व सलाम अलैके हुजूर सरकार तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबी रसूल अनु। देख सकते हैं आप चेन्नई शहर का खूबसूरत नज़ारा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या सहाबी रसूल सरकार तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला ने। आप देख सकते हैं मैं चेन्नई के ऊपर से इस वक्त लाइव, अब हैदराबाद पहुँचेंगे। 55 मिनट्स की फ़्लाइट है, ज़ाकिर नाइट है। आप देख सकते हैं मेरा बैग ट्वीटा आ गया जो मैंने बोला था, ऑर्डर किया था प्री ऑर्डर। ये मेरे को बहुत पसंद है और हमेशा मैं ये लेता हूँ फ्लाइट में, सबसे बेस्ट होता है। ये देखो, ये बैग ट्वीटा है और ये इसके साथ इसके डिप्स है माशाल्लाह। हो गया हैदराबाद, हैदराबाद के ऊपर है अभी, बस एयरपोर्ट पे लैंड होने वाले कुछ 10-15 मिनट अभी। ग्यारह बज के 50 मिनट हो रहे हैं। भाई हैदराबाद आ गया। ताकि आपका कोई सामान जैसे कि आईपैड या मोबाइल फोन विमान में रहना चाहिए। सामान कक्ष सावधानी से खोलें और अपने सामान की पहचान कर लें। कैबिन का तापमान आरामदायक बनाए रखें। हैदराबाद पहुंच चुके आ रहा हूं, पहुंच गया और आज गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। हैदराबाद एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट, अलहमदुलिल्लाह। पब्लिक देखो यार, डिपार्चर से कितनी पब्लिक है, भयंकर पब्लिक। तीसरी बार आया हूँ 15 दिन में डिपार्चर लाइन में। तो आप देख सकते हैं पिछले बार, ये तीसरी बार अलहमदुलिल्लाह 15 दिन में फिर इसी रास्ते से मैं बाहर निकलता हुआ एयरपोर्ट के। अभी बहुत लंबा लॉन्च है, अब सब कुछ तो नहीं बता सकता, ठीक है। तो चलते हैं भाई, बहुत थक गया हूँ, निशात आप इंतज़ार कर रहे पत्थर के गोश के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हियर कम्स लॉग 008 एंड नॉट कम दिस लॉग गोना बी एंड बिकॉज आई एम राइट नाउ इन हैदराबाद। आई हैव जस्ट रीच लैंडेड हियर एंड डे आफ्टर टुमारो माई फ्लाइट इज़ देयर टू औरंगाबाद एंड किस्सा विल भी ख़त्म। तो ओला उबर के लिए पिकअप पॉइंट के लिए आपको हैदराबाद एयरपोर्ट के नीचे आना पड़ेगा। देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बोला था ना आपको, मैं असल में कल से खाना ही नहीं खाया था, कल के खाने पे था। तो अभी देखो खा रहा हूँ पत्थर का गोश और रुमाली रोटी, अल्हम्दुलिल्लाह, और चटनी भी है उसके साथ। तो निशात आप ही ने देखो, ये थैली मेरी टूट गई थी मेरा थैला यहाँ से फट गया था, इसको सी दिए। मैं सोचा था आज चार मीनार जाके ले लूँगा, ये बैग टैक्स तो इतने सारे लगे रहते हैं। कितने प्लेनों में बैठ गई मेरी जाने मन मेरी थैली बेचारी। चलो यार कपड़े पैक करते हैं। निशात आप ही ने सी दिए बेचारे इतनी रात में, ये भी सी दिए, यहाँ से फट गया था पूरा सिलाई मारे। या अल्लाह।
Ladies and gentlemen, boys and girls, I just woke up and got late and I'm on my way to airport, Rajiv Gandhi International Airport. So you can see we are making our way to airport and let's have a dua that I just not need to miss my flight. That's the main thing right now. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. We'll reach Aurangabad, we'll land Aurangabad inshallah at 7 p.m. sharp morning inshallah. Right on the inner ring road, Nagarjuna Sagar ring road. And I have just booked a Ola taxi. I just want to tell you guys that how we met people when we travel to very locations. So when I book a taxi, I just got seated in the taxi and just get in. So after getting in and sitting here, I met this brother. His name is Zubair Bhai. MashaAllah, Zubair Bhai. So he told me about his belief on the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In 500 meters, continue straight to stay on ring road, Nagarjuna Sagar ring road. Muhammad, by Ola app, he never cancelled that booking. What a belief, guys! I just test to just hear these words. I just shocked, and by shock, I just am. His remarks on Prophet behavior towards and love and affection towards our Prophet sallallahu alaihi wasallam has just in 400 meters continue straight past the UN ATM to stay on inner ring road Nagarjuna Sagar ring road. I wanna tell you that only. So I am on my way to Rajiv Gandhi International Airport and will reach straight past the UN ATM to stay on inner ring road.